नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नोकिया G21 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो नोकिया G21 में 2.99 इंच जबकि नोट 12 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो नोकिया G21 में 0.33 इंच जबकि नोट 12 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो नोकिया G21 में 190 ग्राम जबकि नोट 12 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो नोकिया G21 में IPS LCD जबकि नोट 12 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो नोकिया G21 में 6.5 इंचेस जबकि नोट 12 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन नोकिया G21 में 720x1600 और नोट 12 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो नोकिया G21 में 81.65% जबकि नोट 12 5G में 85.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो नोकिया G21 में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि नोट 12 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो नोकिया G21 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और नोट 12 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो नोकिया G21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और नोट 12 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो नोकिया G21 में माली G57 जबकि नोट 12 5G में माली G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो नोकिया G21 में यूनिसॉक T606 और नोट 12 5G में मीडियाटेक डायमेंशिटी 810MT6833 मिलता है। बात करें रैम की तो नोकिया G21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की रैम मिलती है, जबकि नोट 12 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो नोकिया G21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि नोट 12 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो नोकिया G21 में अप टू 512GB जबकि नोट 12 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नोकिया G21 में एंड्रॉइड V11 जबकि नोट 12 5G में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी नोकिया G21 में 5050 mAh जबकि नोट 12 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नोकिया G21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें नोट 12 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Nokia G21 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 12 5G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Note 12 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Note 12 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A22 है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Realme C21Y है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia C30 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।